Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the investment accounting. तो काफी सारे मुझे comments मिल रहे थे investment accounting के लिए, तो आज हम इसके बारे में discuss करेंगे. तो investment accounting की अगर बात करें तो इसमें दो varieties के question है. एक होगा आपका बॉन्ड्स का क्वेश्चन, एक होगा शेयर से रिलेटेड. तो यूजुअली बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एक ही टाइप में रिलेट करता है, और शेयर्स और डिबेंचर्स और शेयर्स जो है वो डिफरेंट टाइप में डील करेगा. सो पेपर की बात अगर करें तो पेपर में दोनों टाइप के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. जैसे कि बॉन्ड्स है डिबेंचर्स है, तो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स एक लेवल हो जाएगा और शेयर्स जो है वो एक डिफरेंट टाइप का लेवल हो जाएगा. तो पेपर में यूजुअली लास्ट ईयर के पेपर को या आप अगर यूनिवर्सिटी के बहुत सारे पेपर्स को देखोगे तो वी कैन हैव दिस टू काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच आर बीन एक्सपेक्टेड. तो इफ यू कंपेयर दिस टू वैरायटीज, द शेयर्स रिलेटेड वैरायटी इज लिटिल बिट इजी, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स माइट थिंक कि शेयर्स से काफी कंपेरेटिवली बेटर बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के क्वेश्चन है. बट बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में होता क्या है, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में आपको एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट के बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं. और अगर हम शेयर्स की बात करें तो शेयर्स में एक स्पेसिफिक सीरीज में या स्पेसिफिक फॉर्मेट में बहुत सारे पॉइंट्स दिए होंगे, तो ये जो पॉइंट्स होंगे वो सिमिलर बेस पे होंगे. तो इसीलिए शेयर्स का अगर आप दो या तीन क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट इन द पेपर. तो आज के वीडियो में हम इतने बेसिस पे डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी चीजें हैं जो इस चैप्टर में फोकस करनी है, कौन से पॉइंट्स में कितने वर्किंग नोट्स हमें प्रिपेयर करने हैं, और उस बेस पे आज हम इस ओवरऑल व्यू से इस चैप्टर के ओवरऑल व्यू से ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आपके रिलेटेड जो भी कम इंटरेस्ट है वो एक्स इंटरेस्ट है, एज वेल एज परचेज और सेल्स में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो परचेज सेल ट्रांजैक्शंस में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो सारी चीजों के ऊपर इस वीडियो में हम फोकस करेंगे. सो पहले आपको ये याद रखना है कि AS 13 जो इस चैप्टर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 relates with the investment accounting and this can be important from your objectives point of view also. So accounting standard 13 के basis पे investment accounting होता है, और सारे investment accounting के rules and regulations accounting standard 13 के basis पे दिए हैं. तो आइए अभी हम discuss करते हैं सबसे पहला हमारा point, and that is कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट कोटेशन. देखो कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट कोटेशन ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आपके शेयर्स या आपके डिबेंचर्स या बॉन्ड्स के अंदर कवर होंगे. सो इफ यू चेक कम इंटरेस्ट कोटेशन, कम इंटरेस्ट का मतलब होता है ऐसी प्राइस जिसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड करके आपको दिया है. कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. इफ द ट्रांजेक्शन इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इट विल बी कॉल्ड एज कम इंटरेस्ट, इफ द ट्रांजेक्शन इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इट विल बी कॉल्ड एज एक्स इंटरेस्ट कोटेशन. तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है. अगर हम बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की बात करें तो देखो समझो आपको ऐसा एडजस्टमेंट दिया गया है कि 100 यूनिट्स परचेज एट द रेट 97 एक्स इंटरेस्ट. तो आपको क्या करना है, 100 को अगर आप 97 से मल्टीप्लाई करोगे 9700 का वैल्यू मिलेगा, वो आपका कॉस्ट रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्स इंटरेस्ट. मतलब ये डायरेक्ट वैल्यू है 100 × 97. तो 100 × 97 हम करेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, कॉस्ट की. और आपको एक चीज याद रखनी है, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का फेस वैल्यू जो होता है वो हमेशा 100 होता है. तो अगर हमें फेस वैल्यू लिखना है जिसको हम नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, तो 100 × 100 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फेस वैल्यू मिलेगा. और 100 × 97 आप करोगे तो क्या आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट मिलेगा. तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कॉल्ड एज एक्स इंटरेस्ट. तो एक्स इंटरेस्ट परचेज में कोई वर्किंग नोट नहीं बनेगा. नेक्स्ट इज परचेज और कम इंटरेस्ट. देखो परचेज में दो ट्रांजेक्शन होते हैं, एक होता है एक्स इंटरेस्ट एक होता है कम इंटरेस्ट. एक्स इंटरेस्ट में अभी हमने डिस्कस किया कोई भी वर्किंग नोट नहीं बनेगा, और कम इंटरेस्ट में आपको देखो क्या दिख रहा है, वन वर्किंग नोट. तो एक वर्किंग नोट आपको प्रिपेयर करना है, वो कौन सा वर्किंग नोट होगा, 100 × 98 9800 वैल्यू मिलेगा, उसको आपको वैल्यू को लिख के उसमें से आपको इंटरेस्ट को माइनस करना है. क्यों ऐसे करना है, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. दैट मींस 100 यूनिट्स 98 के रेट से जब आप परचेस करोगे उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो उसमें से आपको इंटरेस्ट को माइनस करना है. तो ये आपको ध्यान रखना है परचेज में कम इंटरेस्ट. नेक्स्ट आता है आपका सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स नॉर्मली यहां पे मिस्टेक करते हैं. तो अगर हम सेल की बात करें तो सेल ऐसा पॉइंट है जिसमें वर्किंग नोट के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है. अगर हम एक्स इंटरेस्ट सेल की बात करें तो हमें दो वर्किंग नोट्स बनाने हैं, और अगर हम कम इंटरेस्ट सेल की बात करें तो हमें
तीन वर्किंग नोट्स बनाने हैं। पहले हम एक्स इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। नंबर फर्स्ट है कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट हम जो फेस वैल्यू और कॉस्ट से जो परचेस से लिख के जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जो वैल्यू ढूंढते हैं दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट। मैं ये होप कर रहा हूं कि आप सभी लोगों का प्रॉपर प्रैक्टिस हुआ रहेगा, तो आपको एग्जैक्टली जो वर्किंग नोट्स के बारे में मैं बता रहा हूं वो वर्किंग नोट्स आपको यहां से क्लियर हो सकते हैं। तो अगर सेल है तो दो वर्किंग नोट्स बनेंगे, एक होगा आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ढूंढना है और उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट ढूंढना है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, कॉस्ट कौन सा लेना है, ये जो आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ढूंढा होगा वो वेटेड एवरेज कॉस्ट लेना है और आपका सेलिंग प्राइस लेना है। सेलिंग प्राइस में से अगर हम वेटेड एवरेज कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। प्रॉफिट का पोस्टिंग आपके डेबिट साइड होगा लेजर के और लॉस का पोस्टिंग आपके क्रेडिट साइड होगा। अब हम कम इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली सेल में कम इंटरेस्ट एक हाईएस्ट लेवल है। अगर हम सेल में कम इंटरेस्ट की बात करें तो आपको थ्री वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो अगर हम ये थ्री वर्किंग नोट्स की बात करें तो ये थ्री वर्किंग नोट्स आपको कैसे याद रखने, देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि एक्स इंटरेस्ट में हमें दो वर्किंग नोट बनाने हैं। नंबर वन इज कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट एंड नंबर सेकंड इज कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट। यहां पे पहले आपको एक वर्किंग नोट बनाना है उन दोनों वर्किंग नोट से पहले, दैट इज कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। पहले हमें सेलिंग प्राइस ढूंढना है। हमने सीखा था 100 यूनिट्स परचेस एट द रेट 98, तो अगर हम 100 को 98 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वैल्यू मिलेगा, उसमें से हम इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस पहला कैलकुलेशन है, फिर दूसरा और तीसरा कैलकुलेशन आपके एक्स इंटरेस्ट में जो भी हमने किया था एक्स इंटरेस्ट सेल में, दो वर्किंग नोट्स वो रिपीट यहां पे आपको करने हैं और एक ही वर्किंग नोट यहां पे आपको एक्स्ट्रा करना है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यही पॉइंट है कि परचेज में आपके दो टाइप के ट्रांजैक्शंस होंगे, वन विल बी एक्स इंटरेस्ट एंड अनदर विल बी कम इंटरेस्ट। सिमिलरली आपके सेल में भी दो ट्रांजैक्शन होंगे, एक होगा एक्स इंटरेस्ट और दूसरा होगा कम इंटरेस्ट। अगर हम परचेज की बात करें तो परचेज में एक्स इंटरेस्ट में कोई वर्किंग नोट नहीं है, कम इंटरेस्ट में एक वर्किंग नोट है। सेल में दो वर्किंग नोट एक्स इंटरेस्ट में और कम इंटरेस्ट में तीन वर्किंग नोट है। ये था बेस। अभी हम बात करेंगे शेयर्स के बारे में, काफी इजी लेवल। देखो शेयर्स यही सीक्वेंस में चलेगा। मैं अज्यूम ये कर रहा हूं कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी किए होंगे, तो आप अगर आपके क्वेश्चंस के लेवल को देखोगे तो क्वेश्चंस का लेवल ये 6 पॉइंट के रिलेटेड ही होगा। तो अगर आपके पेपर में आपको क्वेश्चंस जो आएंगे वो क्वेश्चंस को अगर आप सीक्वेंस में देखोगे तो फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा ओपनिंग बैलेंस, सेकेंड पॉइंट हमारा रहेगा परचेस, थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा बोनस शेयर्स। देखो बोनस शेयर्स रेशो में दिया जाता है तो बोनस शेयर्स रहेगा। फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा राइट शेयर्स, ये भी आपको रेशो में दिया जाता है। सो नंबर वन से लेके नंबर फोर तक सारी पोस्टिंग आपको डेबिट साइड करनी है, डिविडेंड का पोस्टिंग आपको क्रेडिट साइड करना है और सेल का पोस्टिंग भी आपको क्रेडिट साइड करना है। यहां पे डिविडेंड जो आएगा उसमें दो टाइप के डिविडेंड होते हैं, एक होता है नॉर्मल डिविडेंड एंड एक होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो नॉर्मल डिविडेंड कौन सा, जो आप ओपनिंग बैलेंस पे ढूंढोगे, और अगर आप परचेस पे कैलकुलेट करोगे डिविडेंड दैट विल बी कॉल्ड एज प्री एक्विजिशन। ओके, ये थे बेसिक्स। मैं इस वीडियो से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, मैं इस वीडियो से आपके सिर्फ बेसिक्स को क्लियर करवा रहा हूं कि किस बेस पे आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज ऐसे वीडियोस में लाते रहता हूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर।